गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग पर। बात करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो कब से स्टार्ट होगा। 2 मई से 17 मई तक एग्ज़ाम इसके स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखिए आज की इसकी पेपर कटिंग न्यूज। असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पात्रता के लिए, यानी जिन्होंने अभी कॉलेज लेक्चर भर्ती में फॉर्म भरा है और यदि वो नेट क्लियर नहीं है तो उनके लिए एक बार वापस ये सुनहरा अवसर है। तो देखिए आज की इसकी ये न्यूज़ है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पात्रता के लिए राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा यूजीसी नेट 2 मई से शुरू होगी। यूजीसी नेट की 3 घंटे की परीक्षा कंप्यूटर आधारित रहेगी। परीक्षा में 100-100 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT बेस पे प्रारूप में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले पेपर में 50 और दूसरे पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने UGC नेट का शेड्यूल जारी करते हुए परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए शुभकामनाएं भी दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी। परीक्षा 2 मई से शुरू होगी जो कि 3 मई, 4 मई, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 17 मई तक चलेगी। पेपर फर्स्ट है सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और पेपर सेकंड है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा। NTA ने अपनी वेबसाइट पर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की विंडो ओपन कर दी है। परीक्षार्थी 2 मार्च से आवेदन भर सकेंगे जबकि फीस जमा कराने की आखिरी मौका वो 3 मार्च तक रहेगा। इन 2 मार्च तक अंतिम दिनांक है, 2 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे और फीस जमा कराने की दिनांक है वो 3 मार्च है। तो दोस्तों जो प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम की, यदि उनकी नेट क्लियर नहीं है या पिछली नेट में वो रह चुके हैं तो इस बार वापस सुनहरा अवसर है। कॉलेज लेक्चरर की जो 900 के पदों के लगभग भर्ती हो रही है वो 4 अप्रैल से आयोजित होगी। तो दोस्तों अभी तक जो संभावना है पूरी यही लग रही है, RPC ने बार बार कह दिया है कि एग्ज़ाम है वो 4 अप्रैल से ही होगा, अभी तक पोस्टपोन होने की कोई संभावना नहीं है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप इसकी तैयारी जारी रखें। तो ये आज की पेपर कटिंग न्यूज़ थी दोस्तों। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कॉलेज लेक्चरर भर्ती संबंधित जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आती है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूं। धन्यवाद दोस्तों।